हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो इससे पहले हम किसी वजह से नहीं दिखा पाए थे। चीन से सीमा पर चल रहे टकराव के बीच एयरफोर्स ने अपने दो स्वदेशी हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में कर दी है। वहां अमेरिका से लिए गए अपाचे पहले से ही तैनात थे, लेकिन अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH भी तैनात कर दिया गया। भारत के अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की जबरदस्त मारक क्षमता दिखाती ये तस्वीरें लेह लद्दाख की हैं, लेकिन ये तब की हैं जब इसका वेपन ट्रायल चल रहा था। यानी भविष्य की तैयारी को देखते हुए ही LCH की इतनी ठंड और ऊंचाई वाले इलाके पर टेस्टिंग की जा रही थी। अब उस टेस्टिंग का नतीजा सामने आया है। दो LCH हेलीकॉप्टर्स LSE के करीब तैनात कर दिए गए हैं। ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लद्दाख से सटे हुए होटान और काशगार एयरबेस पर चीन ने अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती दोगुनी कर दी है। लेह सेक्टर में अपने दो हेलीकॉप्टरों की तैनाती की जानकारी HAL ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी। HAL ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय वायुसेना की मदद करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तैयार किए गए दो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर हुई है। हालांकि लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना वायुसेना में शामिल किए इनकी तैनाती क्यों की गई है। इसका जवाब इसकी खासियतों में छुपा है। LCH को खास तौर पर हाई अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। जमीन से करीब 6.5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है। 269 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 3.25 घंटे लगातार आसमान में रह सकता है। यही वजह है कि भारत ने वायुसेना में शामिल होने से पहले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी LCH को LSE पर तैनात कर दिया है। कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में उड़ने की काबिलियत के साथ LCH कई घातक हथियारों से भी लैस है। ये हथियार ऐसे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। ये 700 किलो वजन तक हथियारों को लेकर उड़ सकता है। LCH एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस है। इसे लेजर गाइडेड बमों और रॉकेट से भी लैस किया जा सकता है। इसमें लगी मशीन गन 1 मिनट में 750 राउंड गोलियां फायर कर सकती है। एयरफोर्स और आर्मी दोनों को मिलाकर करीब 160 LCH की जरूरत है। एयरफोर्स के लिए 15 LCH का ऑर्डर दे दिया गया है। इसमें 5 आर्मी के लिए भी शामिल है। उम्मीद है कि जल्द ही आपको आधिकारिक तौर पर एयरफोर्स और आर्मी में LCH उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट।